फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे एक वैज्ञानिक था, उसने विद्युत अपघटन के संबंध में दो नियम दिया है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अब देखिए यहां पर इस बर्तन में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया गया है और इसमें कॉपर की दो क्षणों को डाला गया है, रखा गया है और इन क्षणों को बैटरी से जोड़ा गया है। यहां से डीसी करंट मिलेगा, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट मिलेगा। ये कॉपर की क्षण एनोड का काम कर रही है, ये कॉपर की क्षण कैथोड का काम कर रही है। ये दोनों इलेक्ट्रोड सक्रिय इलेक्ट्रोड है, तो इसमें यहां पर जो कॉपर सल्फेट का विलयन है ये टूट करके धनायन और ऋणायन देता है। इस बर्तन में सल्फेट आयन और क्यूप्रिक आयन ये सभी इस बर्तन के अंदर रहेंगे। एनोड कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। यहां से क्यूप्रिक आयन इस कैथोड पर जाता है, यहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन लेकर परमाणु में बदल जाता है। तो धीरे धीरे यहां पर कॉपर के परमाणु एकत्रित होते चले जाते हैं, यहां इकट्ठा होता चला जाता है। ये क्षण, ये कॉपर की क्षण मोटी होती जाती है और ये कॉपर की क्षण पतली होती जाती है, क्योंकि इसमें से जो कॉपर के परमाणु थे वो इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ करके क्यूप्रिक आयन के रूप में विलयन में आते रहते हैं और विलयन से क्यूप्रिक आयन यहां पर इलेक्ट्रॉन लेकर बैठते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड पर जो यहां पे पदार्थ, यहां पर पदार्थ कॉपर है एकत्रित हुआ है, इसके संदर्भ में प्रथम नियम कहता है, फैराडे का प्रथम नियम कहता है ये विद्युत अपघट्य का विलयन है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में इलेक्ट्रोडों पर, ये भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए या एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा यानी W, ये प्रथम नियम है फर्स्ट लॉ फैराडे के विद्युत अपघटन का। प्रथम नियम कहता है कि जब विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इस विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी W इज प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है? इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ की ग्राम में मात्रा है और Q जो है इस विलयन में से प्रवाहित आवेश की मात्रा है कूलम। यानी प्रथम नियम के अनुसार W इज प्रोपोर्शनल टू Q, इसलिए W इज इक्वल टू Z इंटू Q, ये फॉर्मूला है समीकरण नंबर 1। चूंकि Q बराबर होता है I इंटू T, I जो है विद्युत धारा है, T समय है, Q का मान यहां रख देंगे तो W बराबर आएगा Z इंटू I इंटू T। ये फार्मूला हमें मिलता है। इस फार्मूला में W क्या है? W है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की
मात्रा ग्राम में, और जेड क्या है, जेड इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं। आई क्या है, इस पूरे विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा है, और टी जो है समय। यदि हम आई बराबर एक एम्पियर ले लें, एक एम्पियर, टी बराबर एक सेकेंड ले लें, तो समीकरण नंबर दो से हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू जेड इंटू वन इंटू वन, यानी W बराबर जेड, यानी जेड बराबर W। तो यहां से हम जेड की परिभाषा दे सकते हैं, जेड जो है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो किसी जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में एक एम्पियर की विद्युत धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तब इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे कापर एकत्रित हुआ है, तब इस जेट को हम बोलेंगे कापर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यदि यहाँ सिल्वर एकत्रित होता तो हम बोलते सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को जेट से प्रदर्शित करते हैं। जेट का जो मात्रक है वो है ग्राम प्रति कूलाम, जेट का मात्रक ग्राम प्रति कूलाम है। यदि इस विलयन में एक मोल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को एक फैराडे या एक फैराडे नियतांक कहते हैं, और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। यदि यहाँ पे एक मोल इलेक्ट्रॉन लिया जाए तो यहाँ पे इसका एक ग्राम तुल्यांक एकत्रित होगा। यदि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का तुल्यांकी भार E हो, E अपान 96,500, ये बराबर जेड होता है, यानी जेड बराबर होगा E अपान 96,500। यदि हम इस जेड का मान समीकरण दो में रखें तो W बराबर हम लिख सकते हैं E बटे 96,500 इंटू आई इंटू टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं W अपॉन ई इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन 96,500, या हम इसको लिख सकते हैं W अपॉन ई इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई इंटू टी बराबर क्यू, क्यू अपॉन 96,500। तो हम ये समीकरण नंबर तीन बन गया। तो समीकरण एक दो तीन ये सभी फैराडे के प्रथम नियम को प्रदर्शित करते हैं, और ये सभी सूत्र हैं, इनको याद रखना जरूरी है। अब आइए हम चर्चा करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम का, सेकेंड लॉ का चर्चा करते हैं। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ, देखिए द्वितीय नियम के लिए हमको यहां पर
और भी बर्तन लेना होगा, और भी विद्युत अपघट का विलयन लेना होगा। जैसे इसमें हम सिल्वर की छड़ डाल दें, ये सिल्वर एजी, ये भी एजी है, सिल्वर है एजी, और इसमें हम भर लें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, इसके अंदर भर लें एजी एनोथ्री का जली विलयन। तो इसका जब हम विद्युत अपघटन कराएंगे तो कैथोड पर चांदी एकत्रित होगी, ये इसको जैसे ये प्लस ये माइनस, अब इसको यहां से इसको ले जा करके हम यहां पे जोड़ दें, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इसको ले जा करके यहां से जोड़ दें। यानी अब हम यहां पे दो विद्युत अपघट्यों के विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करेंगे। यहां पर सिल्वर एकत्रित होगा एजी, यहां पे एजी एकत्रित होगा, यहां पे कॉपर एकत्रित हो रहा था तांबा, यहां चांदी, क्योंकि यहां सिल्वर जो आयन है ये कैथोड की ओर जाएगा, ये कैथोड है ये एनोड, तो यहां पर चांदी एकत्रित होगा, यहां पे तांबा। ऐसे ही और भी हम जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में। तो द्वितीय नियम फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कहता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में से समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यहां पर कॉपर पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W है और कॉपर का तुल्यांकी भार E है, तो W प्रोपोर्शनल E होता है। इससे हम ये लिख सकते हैं W1 बटे W2 इज इक्वल टू E1 बटे E2। ये द्वितीय नियम से हम एक सूत्र ये बना सकते हैं, ये समीकरण नंबर एक। W1 क्या है, ये जो यहां पर पहले इलेक्ट्रोड पर यहां पर एकत्रित कॉपर की मात्रा है, और W2 यहां क्या है, यहां पर एकत्रित सिल्वर की मात्रा है ग्राम में, और E1 क्या है, कॉपर का तुल्यांकी भार है या इसको रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, और E2 क्या है, इस चांदी का रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार है। इस समीकरण एक को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। ऐसा लिखने पर W और अपॉन E इसको बोलते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यानी यदि समान प्रबलता की धारा समान समय के लिए प्रवाहित होगी तो कॉपर के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होगा सिल्वर के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इस फार्मूला से। अब आइए हम प्रथम नियम पर ध्यान देते हैं। प्रथम नियम कहता है W बराबर ZIT। यदि हम इस सूत्र से W1 निकालें तो W1 बराबर Z1 इंटू I इंटू T और W2 बराबर Z2 इंटू I इंटू T। यदि हम W1 को W2 से भाग दे दें, इसको इससे भाग दे दें, तो हमारे पास एक फार्मूला प्राप्त होगा W1 बटे W2 बराबर Z1 अपॉन Z2। हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं इसके राइट हैंड साइड बराबर, यानी E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Z1
अपॉन जेड टू। हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं, ये समीकरण नंबर तीन हुआ, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये फॉर्मूला हमें बताता है इज प्रोपोर्शनल टू जेड, मीन्स इज इक्वल टू एफ इन टू जेड, मीन्स जेड इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, जहां पे एफ फैराडे नियतांक है, इसका मान 96,500 कूलाम होता है, तो जेड बराबर हम लिख सकते हैं ई अपॉन 96,500 कूलाम, इसका वैल्यू है कूलाम में। ये भी फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है। तो ये था फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम, इन नियमों द्वारा हम सवालों को हल करना अगले टर्म पे बताएंगे।